एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे। अ ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर की दो तरफ साइड वॉल्स है जो है ट्राइंगुलर शेप के अंदर, ठीक है, और उसका यूज यहाँ पे हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, है ना। अभी यहाँ पे दिया है कि साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, है ना। तो ये जो ट्राइंगल है उसके साइड के जो मेजरमेंट है वो दिए है 122, 120 और 22 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड अन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, तो पर ईयर, है ना। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का जो चार्ज रहेगा, जो कॉस्ट रहेगा, वो है ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का ₹5,000 पे करना पड़ेगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, है ना। सो कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, ठीक है। कोई कंपनी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए वॉल को हायर करेगी, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो कितना रेंट पे करेगी, हाउ मच रेंट डिड इट पे, है ना। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे रेंट, है ना। ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है वो एक साल का चार्ज है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे 3 मंथ का चार्ज, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अथवा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर वॉल इज इक्वल टू क्या होगा, 122 प्लस 22 प्लस 120, है ना। हर एक साइड का सम कर देंगे वो हो जाएगा पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पे, 122 प्लस 22 यानी 144 144, और प्लस 20 20 ऐड करेंगे तो 64 164, और 164 के अंदर 100 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 264 मीटर। तो ये हो गई हमारी पेरीमीटर, ठीक है। सेकंड अभी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर को बोलते हैं एस एस, है ना। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4, यानी कि 132 मीटर। सो पेरीमीटर हो यहाँ पे 132 मीटर, पेरीमीटर है यहाँ पे 132 मीटर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर साइड वॉल, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर साइड वॉल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस जो है वो है सेमी पेरीमीटर, ए बी और सी जो है वो यहाँ पे ट्राइंगल की साइड के मेजरमेंट है। सो अभी यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर एस की जगह पे लिखेंगे 132, एस की जगह पे 132 माइनस ए, यानी कि कोई भी एक साइड 122, ब्रैकेट में 132 माइनस बी यानी कि 22 मीटर और 132 माइनस 120 मीटर, ओके। तो क्या होगा, देखो 132 है तो यहाँ पे रखेंगे 132 इनटू 132 माइनस 122 यानी कि 10 10, ठीक है। 132 माइनस 22 यानी कि 110 इनटू 132 माइनस 120 यानी कि 12, ओके। अभी यहां पे देखो 132 है और 110 है, उसको फैक्टराइज कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में 132 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 11 इंटू 12, 11 12 जा होगा 132 मल्टीप्लाई विथ 10 इंटू 110 को हम फैक्टराइज करेंगे 11 इंटू 10 इंटू ये बाकी बचा 12, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, 11 11 टू टाइम्स, 12 12 टू टाइम्स, 10 10 टू टाइम्स है ना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, है ना। अभी उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे हर एक टर्म का। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 11, 12 का निकालेंगे 12 और 10 स्क्वायर का हो जाएगा 10, है ना। क्या किया हमने, यहाँ पे स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर रूट निकाल दिया, 11 का स्क्वायर हो गया 11, 12 का स्क्वायर हो गया 12 और 13 और 10 का जो स्क्वायर रूट निकाला हमने तो हो गया 10, है ना। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 12 जा 132 इंटू 10,
1320 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो साइड वॉल है, ये साइड वॉल का एरिया हमें क्या मिला, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट क्या है, रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो रेंट होगा वो क्या होगा, 1320 मल्टीप्लाई विथ रुपीज 5000, तो ये तो हो जाएगा पूरे साल का रेंट होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है 3 मंथ का, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, द रेंट कंपनी डिड पे, रेंट कंपनी डिड पे, कितना रेंट पे करेगी कंपनी, सबसे पहले यहाँ पे रुपीज 5000 और कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, तो एरिया एरिया पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ रुपीज 5000 मल्टीप्लाई विथ रुपीज 5000। ठीक है, ये हो गया पूरे एक साल का, हमें फाइंड करना है उसको 3 मंथ का। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम करेंगे 12। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो कि 12 मंथ जो है हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि जो 12 मंथ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक साल, 1 ईयर, है ना, 12 मंथ को बोलेंगे 1 ईयर, है ना। तो इसी तरह से 3 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 3 × 1 / 12, है ना, 3 × 1 એટલે यानी कि 3 / 12, सो 3 / 12, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 6 मंथ, तो 6 मंथ को कैसे बोलेंगे, ईयर में बोलेंगे तो 1/2 ईयर, 6 मंथ को बोलते हैं 1/2 ईयर, तो ये कैसे हो गया, तो ये हो गया 6 / 12, 6 मंथ / 12 मंथ, तो ये हो गया 1/2 ईयर, है ना। इसी प्रकार अगर 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 12 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 मंथ का। ठीक है, 3 मंथ का टोटल जो रेंट पे करेगी कंपनी वो, सो अभी यहाँ पे होगा 3 × 4 = 12, ठीक है, फिर यहाँ पे होगा 4 × 3 = 12 और 0 3 3 0, 1320 को 4 से कट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 330 और 33 × 5, तो यहाँ पे होगा 33 × 5 यानी कि 165, 33 × 5, तो वो वैल्यू होगी 165 और 0 कितने हैं, 1 2 3 4 4 0 है, वो 1 2 3 4, है ना, 1650,000 रुपीज टोटल, 1650,000 रुपीज कंपनी जो है वो रेंट पे करेगी यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके